और हमने उन गलतियों की करेक्शन सीखनी है। कहता था अकाउंटेंट ऑफ द ग्रांट कंपनी हैज प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस बट ही फाउंड दैट टोटल ऑफ द डेबिट्स डेबिट बैलेंसेस इज 8,64,600 एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस इज 8,62,150। जी एक मिनट दोबारा सेंटेंस पढ़े, बताएं कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, कौन से कॉलम का सॉरी टोटल ज्यादा है, कितना है। अगर इस तरह हो जाए कि टोटल मैच ना कर रहा हो तो पहले किस कॉलम में लिखते हैं, तो इस केस में कहां लिखते हैं, ठीक है 864,600। अब ऑपोजिट साइड पे भी कितना लिखो, जो गिवन है वो लिखो या जो ये है वही वहां लिखो, तो हायर साइड का लिखा और फिर जो हायर साइड पे आपने लिखा है वही ऑपोजिट साइड पे होना चाहिए। अब कैलकुलेटर पकड़ना, क्रेडिट्स का टोटल अब है कितना और होना कितना चाहिए, डिफरेंस लें 2,450 किधर लिखूंगा, क्रेडिट्स में लिखूंगा और फिलहाल उसके साथ क्या लिखूंगा, सस्पेंस। बात समझ आ गई मेरी, ये नोट कर लें जरा इसी पेज पे यहीं पे। सेटिंग टाइम हमारा क्लास में 15 से 20 मिनट है, अब इस वक्त राणा साहब को आखिरकार बॉलमेंट मिला, रजिस्टर कॉलेज साथ साथ एंट्री देखते हैं जहां पॉसिबल। शुरू करें 1.1, फुल कंसंट्रेशन प्लीज इन्वॉल्वमेंट। पढ़ते पढ़ते एंट्री जेम रख के ट्रायल बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। 1.1 पढ़े, टोटल परचेजेस इन द पीरियड वर रिकॉर्डेड एट 100 below their correct value, although the total value of trade payables was correctly recorded. किस double entry की बात हो रही है? Purchases debit, trade payables credit. Problem कहाँ है? Problem कहाँ है? Debits में या credits में? कितना प्रॉब्लम है, क्या डेबिट्स कम हो गए, कितने से कम हो गए, क्या सस्पेंस अकाउंट बनेगा इस एरर से, क्या इस एरर से सस्पेंस अकाउंट बनना है, किधर बनेगा, डेबिट्स में क्यों बनेगा, डेबिट्स कम हो गए, डेबिट्स कम हो गए, क्रेडिट ज्यादा हो गए, कैसे ठीक कर रहे हैं, परचेजेस डेबिट सस्पेंस क्रेडिट। अच्छा जी डेबिट क्यों, अच्छा ऊपर तो सस्पेंस आ रहा है 2,450, अब इसमें परेशान ना हो, अब हो सकता है और भी गलतियां भी आ रही हैं, इस गलती की वजह से सस्पेंस अकाउंट 100 से बना होगा, अभी और भी शायद गलतियां ऐसी हैं जिन्होंने सस्पेंस अकाउंट का पैक किया होगा। ऊपर जो हमने एग्जाम्पल्स किए वहां क्या हुआ, वहां हम एक एक गलती अलग अलग डिस्कस कर रहे थे, अब यहाँ भी बहुत सी गलती है तो अभी परेशान ना हो, इस गलती की वजह से सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया होगा। ये जो 2,450 लिखा हुआ है ये नेट इफेक्ट ऑफ एरर्स है, कुछ एरर ऐसे होंगे जिनकी वजह से क्रेडिट ज्यादा हो गए होंगे, कुछ एरर्स ऐसे हुए होंगे जिनसे डेबिट ज्यादा हो गए होंगे, तो नेट करके लग रहा है कि फाइनली डेबिट ज्यादा हो गए और क्रेडिट्स कम रह गए, लेकिन ये जो गलती हुई है इस गलती को पढ़ के क्या पता चला कि डेबिट्स कम हो, इस गलती की वजह से डेबिट्स कम हो। तो ऊपर जो 2,450 आपको नजर आ रहा है ये शायद सब एरर्स का एक कंबाइंड इफेक्ट नजर आ रहा है, तो रिलैक्स रहे आगे बढ़ते, ये समझ आ गया प्लीज,
गेम साहब इंशाल्लाह बात करते हैं, आगे चलो। पॉइंट नंबर टू, टोटल टेलीफोन एक्सपेंसेस वर रिकॉर्डेड 1000 अबव देयर करेक्ट अमाउंट ऑल्दो द टोटल वैल्यू ऑफ अमाउंट्स पेएबल वाज, किस एंट्री की बात हो रही है? लेकिन हो सकता है आपने स्टैंडर्ड्स पढ़ा, आपके जहन में कुछ और चीजें भी आई हैं, तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन भी शायद इंपॉर्टेंट होगा अपनी अपनी जगह। तो पहले ये फैसला करना, एंट्री कौन सी है जिसकी बात हो रही है, टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट और उनका पेबल्स की शायद बात हो रही है। अब जरा दोबारा पढ़े, कहां मसला हुआ? डेबिट्स में फिर मसला हुआ, क्या डेबिट्स अब ज्यादा हो गए हैं? क्या सस्पेंस अकाउंट अपियर होगा इससे? किधर अपियर हुआ होगा? इसकी वजह से क्रेडिट्स में अपियर हुआ होगा, कैसे ठीक करें? टेलीफोन एक्सपेंस क्रेडिट मेन हेड पे काइंडली फोकस करें। सस्पेंस अकाउंट ने इंशाल्लाह खुद पुकार उठना है कि मेरा काम खत्म होना शुरू हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस क्रेडिट के ज्यादा रिकॉर्ड हो गए हैं, बस बात खत्म हुई है। और सस्पेंस अकाउंट 1000 से इस केस में खत्म होना चाहिए। एनी कंफ्यूजन? सासर लिख रहे हैं आप, तो डिस्टर्ब नोट करें। लेजर बना के एंट्रीज मांगी, हम लेजर बना लें सर, हम वजह भाई जान वजह, हाँ फॉर्मेट बना लें। तो नहीं, एक क्वेश्चन को सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें, बाकी फॉर्मेट्स बनाते रहेंगे, मेन फोकस यही रखें जो हो रहा है। चलो आगे, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, चले सर ये तो दो मजाक आए थे, तीसरी गेम शुरू हुई। परचेज रिटर्न्स ऑफ 550 वर रिकॉर्डेड एज डेबिट एंट्री इन द सेल रिटर्न अकाउंट, बट द करेक्ट एंट्री हैड बीन मेड इन द ट्रेड पेबल्स कंट्रोल अकाउंट। अब ये पता नहीं आपको वर्ड्स पता है या नहीं पता, नहीं बस जितना पता उतना काफी है। ये एंट्री बताएं किस चीज की है, परचेज रिटर्न्स की है या सेल रिटर्न्स की? परचेज रिटर्न्स की एंट्री बताएं, सोच क्रेडिट है डेबिट है, परचेज रिटर्न्स क्रेडिट है। अब उसने साथ कंट्रोल अकाउंट पर लगा दिए, उससे हमें अब डरने की कोई जरूरत नहीं, तो क्रेडिटर्स की बात हो रही है, ट्रेड पेबल्स की बात। ये एंट्री है किस चीज की? परचेज रिटर्न्स की। हुआ क्या है, परचेज रिटर्न्स को कहां डेबिट कर दिया? अब सर ये अगर तो सिंपल ट्रांजेक्शन हो जाए जिसका पॉइंट वन और टू है, उसको तो हम इजीली देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सीधी एंट्री क्या बननी है, लेकिन थोड़ी सी जब चीजें थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाए, तो फिर इसका एक तरीका ये भी होता है, बोर्ड पर देखो कि एंट्री करेक्शन एंट्री तक पहुंचने के लिए पहले आप ये लिख लें कि एंट्री रिक्वायर्ड क्या थी, रिक्वायर्ड का मतलब होनी क्या चाहिए थी, होनी क्या चाहिए थी। नेक्स्ट फिर लिख लेंगे, अब ये डेफिनेटली चॉइस है, इसलिए वर्ड्स कोई मैसेज कुछ स्टैंडर्डाइज वर्ड्स नहीं, मैं ऐसे वर्ड्स लिखना चाहूँ जिससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। रिक्वायर्ड से क्या मुराद हुआ करेगी मेरी, होनी चाहिए थी। फिर पोस्टेड से मुराद मेरी होगी कि हुई क्या है, और फाइनली इन दोनों को देख के फिर करेक्शन कर लिया करेंगे। लेकिन हर एंट्री को इस तरह लिखना टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, जहां जरा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी वहां ये काम करके जरा सही एंट्री तक पहुंच जाएगी। अब कहां कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, एक आ सवाल मैं साथ कर लें, बाकी फिर अगले सवालों में आप बता दीजिएगा कि अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो इसको इस तरह भी लिखने की बजाय आप दोबारा सेंटेंस पढ़ें, आप ये बताएं पढ़ के एंट्री होनी क्या चाहिए थी, ट्रेड पेएबल्स डेबिट। और ट्रेड पेएबल्स क्रेडिटर्स, मैंने जानबूझ के वर्ड बोला ताकि अगर ये वर्ड यूज होता है तो हमें याद रहे, तो ट्रेड पेएबल्स डेबिट और परचेज रिटर्न्स भी डेबिट। तो सही एंट्री पहले नंबर वन जहन में लानी चाहिए, अमाउंट कितनी सही लग रही है 550। कंसंट्रेशन से पहले देखें क्या ये एंट्री सही है, परचेज रिटर्न्स की एंट्री, ट्रेड पेएबल्स डेबिट एंड परचेज रिटर्न्स डेबिट। आप सेंटेंस दोबारा पढ़ें इस एंगल से कि हुआ क्या, आराम 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 आराम, क्या उसने ट्रेड पेबल्स को डेबिट करते हुए गलती की? तो इसका मतलब यह, वो ठीक का मतलब यह है कि ट्रेड पेबल्स तो सही डेबिट हुए हैं। ये कैसे पता चला मुझे वो सही डेबिट हुए, ये लिखा हुआ, ये सवाल के अंदर अंदर है ना, गलती अपनी कोई नहीं बनानी,
एग्जामिनर कहेगा वही गलती है, और जो सही है वो सही है। तो अपनी कोई नई गलती क्रिएट नहीं करनी, अपना सवाल ना बन जाए। एग्जामिनर ही का सवाल गौर से पढ़ना और उसके मुताबिक गलती आइडेंटिफाई करनी। तो मुझे कैसे पता चला ट्रेड पेबल्स डेबिट हो गया है? बताया उसने ऑल दो ट्रेड पेबल्स एंड एंट्री हैज बीन मेड, करेक्ट एंट्री हैज बीन मेड इन द ट्रेड पेबल्स अकाउंट, बट द करेक्ट एंट्री हैज बीन मेड इन द ट्रेड पेबल्स अकाउंट। तो वेयर इज द प्रॉब्लम? दोबारा 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 परचेज रिटर्न्स क्रेडिट होने की बजाय सेल रिटर्न डेबिट हुई, तो क्या ये जुल्म कुछ इस तरह से तो नहीं हुआ कि दोनों ही डेबिट हो गए? ये कैसे पता चला मुझे कि सेल रिटर्न डेबिट हुई? बताया हुआ। तो क्या क्रेडिट होने की बजाय क्या डेबिट हुआ हुआ? तो अगर ये दोनों ही डेबिट हो गए तो क्या वक्ती तौर पे सस्पेंस अकाउंट 1100 से क्रेडिट कॉलम में अपीयर हुआ हो? लिखें यार, दोनों डेबिट कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो गए। मोबाइल्स को कहीं साइड पे रख के काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप फैसला कर भी लें तो हो सकता है एग्जामिनर ये फैसला ना कर सके। व्हाट इज द मीनिंग रिक्वायर्ड? नहीं मतलब जब भी कभी ये बात हुआ करेगी तो आप रिक्वायर्ड से क्या समझा करेंगे कि होना क्या चाहिए था? पोस्टेड मींस जो पोस्ट की गई एंट्री, जो रिकॉर्ड की गई है, रिकॉर्डेड भी कह सकते हैं, और फाइंडिंग करेक्शन तक हमने पहुंचना। एग्जामिनर को डेफिनेटली ना रिकॉर्ड चाहिए ना पोस्टेड चाहिए, एग्जामिनर हमसे करेक्शन मांग रहा, लेकिन कहीं अगर हमें जरूरत पड़े तो फिर हम करेक्शन तक पहुंचने के लिए अपने लिए कुछ वर्किंग में लिख लिया करेंगे। लेकिन डेफिनेटली ये टाइम वेस्टिंग है, जहां जहां हम इजीली वर्किंग कर सकेंगे वहां शायद इतना टाइम जाया नहीं करना चाहिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज, ये करेक्शन करवाएं। अच्छा इसका सॉरी बल्क सॉरी यकीन आप करवा सकते हैं, लेकिन एक दफा मेरे से तरीका सुनो। अब इन दोनों एंट्रीज को हमने सामने रखना, जो होनी चाहिए थी जो हुई है, और इनको देख के करेक्शन करनी। कैसे? ट्रेड पेबल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कहाँ है? तो परचेज रिटर्न्स को क्रेडिट होना चाहिए ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए। फिलहाल क्या रिकॉर्ड ही नहीं हुआ हुआ, तो परचेज रिटर्न्स को क्रेडिट करके रिकॉर्ड करना चाहिए। पोस्टेड एंट्री में सेल रिटर्न का तो काम ही कोई नहीं था, इस ट्रांजैक्शन में सेल रिटर्न का तो हेड ही होना ही नहीं चाहिए था, तो सेल रिटर्न को गलती से क्या किए, तो उसको कैसे ठीक करें? क्रेडिट करके ठीक करें 550। क्या जब ये दोनों काम हो जाएंगे, कौन से दोनों? परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी और सेल रिटर्न को ठीक करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, तो मसला हल हो गया है, मसला हमारा हल हो गया है। लेकिन सस्पेंस अकाउंट की पुकार आपको सुनाई दे रही है कि उसका काम खत्म कैसे हो गया है, 1100 से उसमें डेबिट। तो प्लीज फोकस कहाँ रखें करेक्शन करते हुए? मेन मेन हेड्स पर फोकस रखें, इंशाल्लाह सस्पेंस अकाउंट आपके कंट्रोल में। लेकिन परचेज रिटर्न क्यों क्रेडिट किए? पहले क्रेडिट नहीं थी, सेल रिटर्न क्यों क्रेडिट किए? वो डेबिट होनी नहीं चाहिए, उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट किए और सेल रिटर्न्स को रिकॉर्ड करने के लिए क्रेडिट किए। तो अगर हम भी दोनों ही क्रेडिट कर लें तो क्या मसला हल हो जाए? नहीं सर, अब टेंशन फ्री रहे। ये मैंने आपके सामने ट्रायल बैलेंस बनाया, एंट्रीज लिखी, ये इल्जाम ना लगाएं यार, लेकिन ये एंट्रीज में हमें ट्रायल भी नजर आ जाता है, आप टेंशन ना लें। लेकिन ट्रायल बैलेंस में एक छोटी सी चीज प्लीज ध्यान में रखिएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर एंट्रीज नजर आती हैं या बैलेंसेस नजर आते हैं? बैलेंसेस फाइनली नजर आते हैं। यहां हमें ये पता चला है करेक्शन करते हुए कि सस्पेंस अकाउंट को 1100 से डेबिट करना चाहिए। अल्टीमेटली इंशाल्लाह देखिएगा जब हम सारी ट्रांजेक्शन कर लेंगे तो मैं आपके सामने एक सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगा,
और उसका फिर सीडी बैलेंस जीरो हो जाना चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर एंट्रीज होती हैं या बैलेंसेज होते हैं, एक ही बात होती है, ये हर चीज एक बात नहीं। ट्रांजेक्शन कहाँ होती हैं? जर्नल में, फिर लेजर्स में ट्रांजेक्शन पोस्ट होती हैं, तो वहां से जो सीडी बैलेंसेज आते हैं वो ट्रायल बैलेंस में रहता है। क्लोजिंग बैलेंसेज डेबिट हो तो डेबिट कॉलम में और क्रेडिट हो तो क्रेडिट कॉलम। ठीक है, तो अभी रिलैक्स है, इंशाल्लाह अभी सब कुछ सामने आ जाए। ये नंबर फोर, नंबर फोर पढ़ेंगे। क्या डेबिट होने की बजाय क्या डेबिट हुआ? मायूसी ना फैलाओ यार, प्लीज मायूसी ना फैलाएं। इक्विपमेंट डेबिट होने की बजाय क्वेश्चन में पढ़े, क्वेश्चन में से कहा कि परचेज रिटर्न डेबिट होने की बजाय सेल रिटर्न डेबिट होगी। आप लोग प्लीज पॉइंट नंबर फोर फाइनल करें। क्वेश्चन में प्लीज पॉइंट नंबर थ्री में लिखा हुआ है परचेज रिटर्न वर रिकॉर्डेड एज डेबिट एंट्री इन द सेल रिटर्न अकाउंट। बस नहीं, आप पॉइंट नंबर फोर पढ़े, मैं इधर हूँ। परचेज रिटर्न तो रिकॉर्ड ही नहीं है, सेल रिटर्न को डेबिट किया गया। परचेज रिटर्न को एक सेल रिटर्न के अकाउंट में डेबिट एंट्री के तौर पर रिकॉर्ड किया। जी सर, पढ़ लिए सर सबने पॉइंट को। अब एक दो क्वेश्चन मेरे बाकी हो, ये इजी है वैसे पॉइंट। मेरे वर्ड दोबारा सुने, क्या मैं कह सकता हूँ इक्विपमेंट डेबिट होने की बजाय रिपेयर एंड मेंटेनेंस को डेबिट किया? अब ट्रायल बैलेंस है इनमें बनाया। सस्पेंस अकाउंट किधर आएगा? हाँ जी, कहीं भी नहीं आएगा। नहीं, वो एक अलग इशू है, लेकिन पहले एक मिनट, सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं आएगा? हुआ डेबिट ही, डेबिट ही होना था, डेबिट ही हुआ, सिर्फ हेड बदल गया। तो डेबिट्स या क्रेडिट्स में कोई कमी ज्यादा वाली बात है, एक हेड डेबिट होना था। हाँ यकीनन वो हेड डेबिट नहीं, उसकी जगह कोई और हेड डेबिट ही हुआ। तो डेबिट्स और क्रेडिट्स का टोटल इस एरर की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इट मींस ये कौन सा एरर है? पेज नंबर 141 पे ये वो एरर्स हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल्ड ही है। अब उनमें ये कौन सा है जरा ढूंढ लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए। अब ये ढूंढने से पहले एरर ऑफ कमीशन है या एरर ऑफ प्रिंसिपल है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ध्यान से पढ़ो। मेरा ख्याल है एरर ऑफ प्रिंसिपल है। रीजन पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, दोनों पढ़े। पॉइंट नंबर टू भी पढ़े, थ्री भी पढ़े। कमीशन क्या होता है? पढ़ के यार, पढ़ के किसने का जुबानी बताए, पढ़ के पढ़ के। क्या सही हो लेकिन क्या गलत हो जाए? मेन हेड सेम हो, मेन हेड गलत ना हो। हाँ, अकाउंटिंग हेड्स में प्रॉब्लम होता है। और एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? मेन हेड्स में भी गलती हो और अकाउंटिंग हेड्स में भी गलती हो। मेन हेड्स कौन से होते हैं? मेन हेड्स कौन से होते हैं? यही लिखा नंबर थ्री। अब आए जरा ये गलती पे। इक्विपमेंट क्या चीज है? एसेट, रिपेयर, एक्सपेंस। तो क्या मेन हेड भी गलत है? एसेट, एक्सपेंस, मेन हेड भी गलत है और अकाउंटिंग हेड भी गलत है। तो एरर ऑफ कौन सा नहीं है, ये कौन सा है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल? मेन हेड गलत, मेन हेड के साथ साथ अकाउंटिंग हेड भी गलत है। करेक्शन करेंगे इसकी सिंपल। क्या डेबिट क्या क्रेडिट? इक्विपमेंट डेबिट एंड रिपेयर मेंटेनेंस क्रेडिट। कितने से? 2000 से। ठीक है, अब डेफिनेटली कल भी मैंने बात की थी, अगर यहाँ कोई डेप्रिसिएशन रेट्स नहीं हो तो इक्विपमेंट हम बढ़ा रहे हैं, क्या हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या रिवर्स करेंगे? तो वो इंशाल्लाह ये चीजें भी आएंगी, इसी में साथ साथ बोलता जा रहा हूँ। एनी कंफ्यूजन मारा? नंबर फाइव, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज साथ साथ चलें कांडी। रेंटल एक्सपेंस ऑफ 5490 वर्क एंटर्ड इन करेक्टली एज 5940 इन द एक्सपेंस अकाउंट but were entered correctly in bank account in the ledger. ek entry pehle bolo
ये एंट्री है क्या? रेंट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, लगता है पेमेंट हो गई बाय बैंक हुई। अमाउंट्स पे गौर करें, क्या ये ट्रांसपोजिशन हुई भी है? लेकिन जल्दबाजी ना कीजिएगा, अब अमाउंट्स जहन में रख के एंट्री बताएं। रेंटल एक्सपेंस कितने से डेबिट? फाइव फाइव, कितने से हुआ यार, कितने से होना था? तो रेंटल एक्सपेंस डेबिट हुआ है 5940 से, होना कितने से चाहिए था? लेकिन क्या बैंक ठीक क्रेडिट हुआ? ये ट्रांसपोजिशन एरर तो है, जरा फिगर्स वर्ड्स जरा गौर करें, डिजिट्स देखें आगे पीछे, ये ट्रांसपोजिशन एरर है। लेकिन ये ट्रांसपोजिशन एरर वो वाला क्यों नहीं है? एक मिनट पढ़ के देखते हैं, 141 पेज पर ये अमाउंट्स में ट्रांसपोजिशन हुई भी है, लेकिन वहां वर्ड्स क्या थे? एक ऐसी ट्रांसपोजिशन जो दोनों तरफ सेम हो जाए, उससे तो ट्रायल टैली हो जाएगा, लेकिन एक ऐसी ट्रांसपोजिशन जो किसी एक तरफ और दूसरी तरफ ना हो, तो उससे फिर सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। जरा पॉइंट नंबर 4, वो कहते थे व्हेन करेक्ट अमाउंट्स बट व्हेन करेक्ट कंटिजेंसीज, कौन सा सवा पढ़ना? 144 1 में कहां पढ़ना? पॉइंट नंबर 4 पढ़ना, When correct accounting entry is recorded in books of accounts, but the amount in both accounting effects is wrong, although the amount is same. अगर तो amount दोनों तरफ same हो जाए, अगर तो amount दोनों तरफ ही same हो जाए, तो transposition error के बावजूद suspense account नहीं आए। लेकिन हमारे यहाँ transposition तो हुई है, लेकिन transposition की गलती किस तरफ है, किस तरफ नहीं है? दोबारा एक दोबारा आप पढ़े, आप पढ़े। ठीक है बेटा, वो चीजें अपनी जगह है, सही सही है। यहाँ बेटा हेड्स का इशू नहीं है, क्या रेंट एक्सपेंस सही डेबिट हुआ? वैसे पड़े पड़े नहीं, मतलब डेबिट हुआ, वैसे रेंट एक्सपेंस डेबिट हुआ है, हेड गलत नहीं हुआ, रेंट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, हेड्स में गलती नहीं है, लेकिन हेड की अमाउंट्स में गलती है। किस अमाउंट में, किस हेड की अमाउंट में गलती है? रेंट एक्सपेंस कितने से डेबिट होना चाहिए था? रेंट एक्सपेंस डेबिट हुआ है गलती से 5940 से, और बैंक क्रेडिट हुआ है 5490 से। बैंक में तो गलती नहीं ना, तो क्या सस्पेंस बनेगा इस एंट्री में? सस्पेंस क्यों बनेगा? डेबिट क्रेडिट अमाउंट्स में गलती होगी, कैलकुलेटर पकड़ो, कितने से सस्पेंस आएगा, किस तरफ आएगा? सही तरह सोच कर फाइनल करें, लिख के कर लें या जहन में सोचना, अगर इतना टफ नहीं है। क्या डेबिट्स ज्यादा हो गए? कितने ज्यादा यार? तो कैसे सही करो, कैसे सही करो? रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 450 और सस्पेंस अकाउंट डेबिट 450, ठीक है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स होकर गेम इंटरेस्टिंग हो जानी है, हो गई है, हो जानी है, हो भी गई शायद, छोटे छोटे काम आपको बच्चों वाले लगते हैं। इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजिऊन, फिरौनियत नजदीक भी ना आए। जब भी कुछ हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, ना हो तो बिस्मिल्ला, इंशाल्लाह इन्हीं के दरमियान रहिएगा। सीए की जिंदगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिंदगी बेचारे की ऐसे ही रहती है, वरना अगला पेपर फिर सामने आ रहा था। मैं कर लूंगा, नहीं किया जाता यार, इंशाल्लाह हो जाए। नंबर 6 है, व्हाट इज नंबर 6 यार? बैंक चार्जेस की जरा एंट्री सुना दें, कोई सुनी है कभी एंट्री? हाँ जी, बैंक चार्जेस डेबिट बैंक क्रेडिट, ये बैंक के चार्जेस, बैंक ने अपने कोई पीआरसी तो आपको एग्जाम्प्ट है, बैंक अगर अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट पे पैसे ले ले तो उसे बैंक चार्जेस बोलते हैं, उससे फिर आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस होता है। पढ़े जरा क्या हुआ, बैंक चार्जेस ऑफ 200 हैव बीन ओमिटेड एंटायरली फ्रॉम द लेजर। अपने जहन में ट्रायल बैलेंस लाए, ना क्या हुआ है ना क्या हुआ, इस एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो सस्पेंस अकाउंट किस तरफ आएगा? पेज 141 पर जाएंगे, ये एरर ऑफ ओमिशन हुआ,
लेकिन क्या अगर ये पता चल गया है तो अब इसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। कैसे कर लें? बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट कितने से दी? एक नजर एंट्री रिवाइज कर लें जो हमने सारी लिखी है, पॉइंट सामने रखते कोई कंफ्यूजन प्लीज। इसके साथ नोट कर लें पॉइंट नंबर 6 के साथ, ये कौन सा एरर निकला? एरर ऑफ ओमिशन। एक नजर एंट्रीज प्लीज रिवाइज कर लें, एक छोटा सा काम और करवाना। समझ आ गई सारी एंट्रीज? रिक्वायरमेंट में, रिक्वायरमेंट में एक तो काम आपने कर लिया, लेकिन एक रिक्वायरमेंट और भी है। वो कहते हैं ओपन अ सस्पेंस अकाउंट, रिकॉर्ड द अप्रोप्रिएट करेक्शंस इन सस्पेंस अकाउंट सो दैट द बैलेंस ऑन दिस अकाउंट इज एलिमिनेटेड। कंसंट्रेशन से जरा पहले सुनना है आपने, रिक्वायरमेंट पढ़े क्या मांग रहा है? कह रहे आप ओपन अ सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट हमने एक ओपन कर दिया। अब पेज नंबर 143 पे एक मिनट चले, हमारी करेक्शन से पहले सस्पेंस अकाउंट में कोई बैलेंस मौजूद? कितना बैलेंस मौजूद है? ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट कॉलम में, फाइल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट बैलेंस है। तो इस क्रेडिट बैलेंस के अगेंस्ट अब हमने एंट्रीज करनी है, और इन एंट्रीज के बाद असूलन ये क्रेडिट बैलेंस जीरो हो जाना चाहिए। इससे पहले कि मैं ये लेजर आपके सामने बनाऊं, आप जरा बेसिक कोई एक लेजर जरा ध्यान में रखें, एक चीज जरा सोच लें। एक मशीनरी का लेजर सेम है, मशीनरी डेटर, डेटर का सपोज ब्रॉड डाउन बैलेंस है 10,000, क्रेडिट सेल की एंट्री बताओ 5,00,000 की क्रेडिट सेल हुई, डेटर डेबिट सेल फिर सपोज को सेल रिटर्न हुई, सेल रिटर्न की एंट्री बताओ, सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट। लेट्स सी हम कुछ कैश आया, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। लेट्स सी हम 1,50,000 रुपया बाय चेक भी रिसीव हुआ। आप जैसे अकाउंटेंट्स हो तो आप यकीन ये आखिरी ट्रांजैक्शन भी लिख के लेजर बैलेंस करेंगे, लेकिन मेरे जैसे अकाउंटेंट्स जिनका काम पे ध्यान ना हो, सपोज उन्होंने ये एंट्री जहन से निकाल के कैलकुलेटर पकड़ा, जरा पकड़ी के मेरे बिहार, कौन सी एंट्री रिकॉर्ड किए बगैर मैंने ये लेजर आपसे बैलेंस करवाना शुरू कर दिया है? लेट्स अज्यूम चेक बाय चेक 1,50,000 मिला है, और ये एंट्री रिकॉर्ड किए बगैर मैंने ये लेजर बैलेंस कर दिया है, आंसर बताइए। 295 सही है। असूलन क्या होना चाहिए था? सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद सीडी बैलेंस निकालना चाहिए था। मैंने एक एंट्री बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट रिकॉर्ड किए बगैर ये डेटर अकाउंट बैलेंस कर दिया है। अब अगर इसी तरह बैलेंस कर दूं तो यहां से ट्रायल बैलेंस में लाना है। कितनी अमाउंट ट्रायल बैलेंस में चली जाएगी? 295,000। देन उसके बाद फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने आपको बताया कि इस 2,95,000 में अभी एक एंट्री रहती है, तो क्या ये क्लोजिंग बैलेंस है? 295 क्लोजिंग है, लेकिन ये अनएडजस्टेड क्लोजिंग। ये क्या होता है अनएडजस्टेड? सही नहीं है, फाइनल नहीं है, इसमें मसला है। तो देन अब आप जब एंट्री करेंगे तो आप अनएडजस्टेड बैलेंस से स्टार्ट करके रिकॉर्डिंग करेंगे या ब्रॉड डाउन से शुरू करते हैं? कहां से लेके कहां तक आ गए हैं? ब्रॉड डाउन से लेके अनएडजस्टेड तक आ गए हैं। हमने इसे अनएडजस्टेड इसलिए कहा क्योंकि हमें पता चल गया इसके अंदर मसला है। फर्ज करें इसमें कोई मसला ना हो तो ये क्लोजिंग भी है, ये एडजस्टेड भी है, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिल्कुल ठीक है। लेकिन हर वो क्लोजिंग बैलेंस जिसमें एक या एक से ज्यादा एंट्रीज अभी रह जाएं, सेंटेंस रिपीट करें, मैंने क्या बोला?
हर वो क्लोजिंग बैलेंस इसमें एक या एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस अभी रह जाए उसे फिर बोला जाता है अनएडजस्टेड बैलेंस. व्हाई दिस 2,95,000 इज अनएडजस्टेड बैलेंस. मैंने अब एक ही बात की है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. अब मुझे बताएं अगर मैं यही डेटर का लेजर रिवाइज सिचुएशन में बनाऊंगा एडजस्टेड बैलेंस निकालने के लिए और एक वर्ड साथ मैंने क्या लगा दिया एडजस्टेड डेटर अकाउंट, ये क्यों लगा? क्योंकि अब मैंने इसमें अनएडजस्टेड बैलेंस को एडजस्टेड बनाना. तो आप बताएंगे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बता सकते हैं कहां से शुरू करूं? 10,000 से अनएडजस्टेड से. अनएडजस्टेड कितना है? ये कहां लिखूं? ये अनएडजस्टेड डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है. ये लेजर है 295,000 कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है. इसे स्टार्टिंग पॉइंट अनएडजस्टेड के तौर पे किस तरफ लिखूं? चलिए मैं लिखी और डेबिट साइड तो है यार. और यार यार यही तो है और यही तो डेबिट बैलेंस है. तो अनएडजस्टेड बैलेंस जब दोबारा स्टार्ट करेंगे तो अपनी नेचर के मुताबिक अकॉर्डिंगली आएगा. सीवी बैलेंस अपने नेचर के ऑपोजिट इसलिए आता है ताकि दोनों साइड्स का टोटल बराबर हो. तो अनएडजस्टेड बैलेंस में कहां से शुरू करूंगा? अगर ये अनएडजस्टेड डेबिट बैलेंस है तो मैं डेबिट साइड पर लिख के स्टार्ट करूंगा. इसे ब्रॉड डाउन कहूं या कैरी डाउन कहूं? नहीं, ये कुछ भी नहीं है. अगर कुछ लगाना भी है तो ये अनएडजस्टेड कैरी डाउन बैलेंस है. ये कैरी डाउन बैलेंस है, अनएडजस्टेड कैरी डाउन बैलेंस है. तो ये डेबिट साइड पे क्यों आ गया? डेबिट बैलेंस है. अगर यही अनएडजस्टेड क्रेडिट बैलेंस होता तो क्रेडिट साइड पे स्टार्टिंग पॉइंट हो जाए. ऐसा लेजर जो मैं इस वक्त आपके सामने बना रहा हूं हमें कब बनाना होगा? जब भी कभी किसी एक बैलेंस के अंदर एक या एक से ज्यादा एडजस्टमेंट्स आए हैं तो वो अनएडजस्टेड बैलेंस कहलाएगा. और अगर हमें उसका लेजर बनाना है तो अनएडजस्टेड डबल बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा और अनएडजस्टेड क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा. आई होप मैं कुछ समझा पा रहा हूँ. ये ओपनिंग है क्लोजिंग है? ना ये ओपनिंग है ना ये सही क्लोजिंग है, ये अनएडजस्टेड क्लोजिंग है. आए इसमें एडजस्टमेंट करते हैं. लेट्स से हम 1.5 लाख का चेक एंट्री बोला मायूसी तो ना भलाई यार. बैंक डेबिट हुआ, डेटर क्रेडिट हो गया. वंस अगेन मेरा ये लेजर बैलेंस करवा दें 295,000. समझ आ गया सर? अब ये जो 145,000 आया ये क्या आया? एडजस्टेड सीडी बैलेंस, फाइनल सीडी बैलेंस. पर जगह फिर पता चल गया है कि इसमें फिर एंट्री रह गई है. अब मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? 145 और फिर उसमें एडजस्टमेंट कर दूंगा और आखिरकार ये काम कब तक करता रहूंगा? जब तक ये एडजस्टेड हो ना जाए. इसमें मैंने सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर अनएडजस्टेड डेबिट बैलेंस होगा तो वो डेबिट बैलेंस के तौर पर अपने डेबिट साइड पर आ जाएगा. तो अगर अनएडजस्टेड क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर. और फाइनली जो अब सीडी आया इसको अगर हम और फर्दर एम्फोसाइज करना चाहें तो ये अब एडजस्टेड सीडी है अगर इसमें अब कोई और एंट्री नहीं रह गई. ठीक है, मेरा ख्याल है रादर देन इसको लिखने के बजाय आप ये जो मैंने काम किया है अगर अपने सवाल पे अप्लाई करके दिखाएं. वापस चले गए आप पेज 143 पर. ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने कुछ फॉलो की मेरी बात? हम इस वक्त क्या बनाने लगे थे? क्या सस्पेंस अकाउंट में इस वक्त कोई बैलेंस मौजूद है? कितना बैलेंस मौजूद है? क्या हमारी एंट्रीज के मुताबिक अपनी एंट्रीज देखें रजिस्टर में, क्या हमारी एंट्रीज जो है वो इस सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को इफेक्ट कर रही हैं, डेबिट क्रेडिट कर रही हैं? तो क्या इस सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस में कुछ एडजस्टमेंट्स अभी रहती हैं? हमें कैसे पता चला? हमने लिख भी लिया. तो ये जो गिवन बैलेंस है 2,450, क्या ये एडजस्टेड बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट है या अनएडजस्टेड है? एडजस्टेड बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट शुड ऑलवेज बी जीरो. सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कोई भी नहीं होना चाहिए. तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैलेंस आ रहा होगा वो अनएडजस्टेड क्यों कहलाए? क्योंकि उसमें हमने एडजस्टमेंट्स करके उसको जीरो करना ही करना. तो व्हाट इज 2,450? अनएडजस्टेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इज इट अ क्रेडिट बैलेंस और अ डेबिट बैलेंस? इट इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ
सस्पेंस अकाउंट इन दिस पर्सन एंड व्हाई इट इज अनएडजस्टेड, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स अभी हमारे वाली पोस्ट होनी रहती हैं। जरा नीचे ढूंढ के बताएं कितनी रहती हैं, इनके एक दो तीन चार पांच छह रहती हैं, नहीं छह रहती हैं, छह ट्रांजेक्शन में नहीं रहती हैं यार, एंट्रीज में गिने यार, एक दो तीन, तीन एंट्रीज में रहती हैं यार, कमाल होगी, चार में होंगी यार, छह में कैसे आ गई, चार एंट्रीज में करेक्शन रहती है, चार में एंट्रीज में नजर आ रही, हर एंट्री में सस्पेंस अकाउंट है ही नहीं बेचारा। तो सस्पेंस अकाउंट जहां जहां भी है बस उतनी रहती है, चलो छोड़े एक दो तीन चार पांच, क्या सस्पेंस अकाउंट में कोई एक या एक से ज्यादा करेक्शन रहती है? अगर रहती है तो अनएडजस्टेड बैलेंस होगा। फाइनल के बाद मुझे बताया मैं 2450 को इस लेजर में कहां लिख के स्टार्ट करूं? तो यार ये तो क्रेडिट बैलेंस है, अनएडजस्टेड है, अनएडजस्टेड बैलेंस है, साथ सीडी लिखना है वो भी ठीक है, और अनएडजस्टेड बैलेंस भी वर्ड लिखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट इज व्हाई मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा है, क्रेडिट बैलेंस है, अनएडजस्टेड कैसे पता चला मुझे? क्योंकि एडजस्टमेंट्स नजर आई हैं, हमने एडजस्टमेंट्स की हैं। फाइनल करवा दीजिएगा काइंडली, आपके लिए है, लिखना इशू नहीं है, एक एक एंट्री देखते हैं, मुझे पोस्टिंग करवाए। एवरी अदर थिंग रिमेन सेम, किस पे फोकस रखना है? सस्पेंस पे, सस्पेंस डेबिट क्रेडिट पोस्ट करवाना, पहली एंट्री बोला यकीनन परचेजेस के लेजर में इसका इफेक्ट जाना, परचेजेस के लेजर में इसने डेबिट होना है, इसका मतलब ये हुआ कि परचेज के लेजर का भी जो पहले बैलेंस आ रहा होगा वो भी अनएडजस्टेड है, उसमें 100 की एडजस्टमेंट होनी है, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ इस लेजर पे है। तो सस्पेंस अकाउंट में किधर लिखूं? क्रेडिट साइड पे रेफरेंस क्या आ गया? परचेजेस कितनी अमाउंट आ गई? 100 आ गया। सेकंड एंट्री देखें, सस्पेंस अकाउंट में किधर किधर लिखूं, किधर लिखूं? डेबिट साइड पे रेफरेंस क्या आ गया? अब तेज है मैं जरा स्लो, सेकंड देख रहा था, कोई मसला नहीं यार। थर्ड एंट्री देखें, अब आपने अच्छा, ये जब भी हम कभी रिक्वायर्ड पोस्टेड एंट्री लिख के कोई करेक्शन लिख रहे होंगे तो इसमें हमें फाइनली पोस्ट कौन सी करनी होगी? करेक्शन, वो दो जो लिखे हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जब भी हमें ये काम करना पड़ जाए तो फाइनली एग्जामिनर के लिए कौन सी है? करेक्शन। तो करेक्शन की तरफ आएंगे, रिलैक्स रहेगा, सस्पेंस अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है, लेकिन उसके ऑपोजिट साइड पे क्योंकि दो रेफरेंसेस हैं तो डरिएगा नहीं, जरा बोर्ड पे देखा, 550 डेबिट साइड पे परचेज रिटर्न्स के रेफरेंस से आ जाएगा और 550 डेबिट साइड पे सेल रिटर्न के रेफरेंस पे आ जाएगा। यार वो तो कह रहा 1000 से डेबिट हो रहा है, तो 1000 से ही डेबिट हो रहा है, लेकिन सॉरी 1100 से डेबिट हो रहा है, लेकिन दो ऑपोजिट रेफरेंसेस को मैंने जरा प्लेस कर दिया, और किसी एंट्री में ढूंढना। रेंट सस्पेंस डेबिट, सस्पेंस डेबिट कितने से? 450 से, और रेफरेंस के तौर पे रेंट एक्सपेंस या रेंटल एक्सपेंस आ जाएगा। समझ आ गया सर? कैलकुलेटर पकड़े और जाने दें यार, क्यों जान छुड़ा रहे हैं, प्लीज। हो गया, हो जाएगा, हो को नहीं रहा। 2550 फिगर आ गई, मैंने तो कहा था बैलेंस जीरो हो जाएगा, बैलेंस जीरो हो गया टोटल मैच करके। तो अगर हमारी वर्किंग ठीक है तो इंशाल्लाह आफ्टर द वर्किंग सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कुछ भी नहीं हुआ करेगा। तो सीडी आप किधर लिखो? है ही नहीं, कब होता है सीडी? जब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो जाए या क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपने दोनों साइड का टोटल मैच कर दिया। लिख लें जल्दी से, एक सवाल करते हैं ये ऑनेस्टमेंट कुछ बात समझ आ गई? अब पोस्टिंग एरर्स ना कि ऑनेस्टमेंट हो जाए, ये तो रेंट एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है, हमने डेबिट कर दिया, ये अपना अकाउंट कौन सा आ गया? सही कहा आपने, सही कहा, कोई अपना अकाउंट भी होता है सर? ये किसका अपना? ये सस्पेंस का अपना है, रेंट का अपना कहां से आ गया? सस्पेंस का अपना, ये कैसे पता चलता है? ये लेजर किसका है? इसका ऊपर नाम लिखा हो, इस गरीब का नाम लिखा है, उसी का लेजर है।